ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ अराकीन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली, आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस मनसब के लिए मुंतखब करके मुझ मेरा हौसला बढ़ा दिया, और जम्हूरी रिवायतों की पासदारी करते हुए हम एक इंतखाबी अमल से गुज़रे। मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जो आवाज़ हक की आवाज़ थी, जो आवाज़ अखुवत की आवाज़ थी, जो आवाज़ अमन की आवाज़ थी, जो गिलगित बल्तिस्तान में यगानगत की अलामत थी, जो आवाज़ गिलगित बल्तिस्तान में अखुवत, रवादारी और प्यार की आवाज़ थी, वो मेरे शहीद भाई असद ज़री की आवाज़ थी, जिसको 2009 में शहीद कर दिया। और मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि छुरी की धार से कटती नहीं चराग की लो, बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। और आज इस मुकद्दस ऐवान में फिर वही अख़ुवत की आवाज़, वही अमन की आवाज़, वही गिलगित बल्तिस्तान में प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करने की मुतलाशी आवाज़ गूंज रही है। तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने जम्हूरी तर्ज अमल के तहत आप तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान असेंबली को मुंतखब करके अवामी खिदमत के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए आपको इस मुकद्दस ऐवान तक पहुंचाया है। और हमारा फरीज़ा है हम हमारे कौम की तवक्कात पर पूरा उतरने की कोशिश करें, न सिर्फ कोशिश करें बल्कि मैं अल्लाह के हुजूर दुआगो हूँ कि हमें खुदावंद करीम हमारी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तवक्कात और हमें तौफीक अता करें।